अलग अलग मॉडल के आधार पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख की जगह 6 लाख से 42 लाख तक बताई जा रही है। डीजल 90 पार, पेट्रोल 100 पार, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगी, तो ये महंगाई का घल्लू घारा तो बनेगा ना। हमारी बहने सवाल है कि सियासी विरोध में क्या देश की छवि पर सवाल उठाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन कोरोना वायरस के तौर पर पूरी दुनिया में छोड़ दिया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया की सैनिटी को खत्म कर दिया। मीडिया में एंकर अपने डिबेट या शो के जरिए देश की बात जनता के सामने रखते हैं। आज हम कुछ एंकर्स के डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते में अपनी डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। सबसे पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, कोरोना से हुई मौतों को लेकर सेंटर और राज्य आमने सामने। दूसरा, भारत में कोरोना से कितने मरे, 42 लाख या 3 लाख। तीसरा, क्या हम कभी जान पाएंगे कि भारत में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई। चौथा, खराब वेंटिलेटर्स की वजह से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन। पांचवा, पीएम केयर्स फंड से खरीदे घटिया वेंटिलेटर्स पर हलचल क्यों नहीं। देश में कोरोना से मरने वालों का कोई सही डेटा नहीं है, सरकारी आंकड़ों और सच्चाई में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। मौत का आंकड़ा छुपाने पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में बात की और कुछ अहम जानकारी दी। क्या हम कभी जान पाएंगे कि भारत में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है? अलग अलग मॉडल के आधार पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख की जगह 6 लाख से 42 लाख तक बताई जा रही है। भारत में संक्रमित मरीजों की आधिकारिक संख्या 2,72,00,000 है पूरे साल के दौरान और मरने वालों की आधिकारिक संख्या 3 लाख से कुछ अधिक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कम से कम के आधार पर अनुमान लगाकर देखा तो भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 40 करोड़ से अधिक नजर आती है और मरने वालों की संख्या 6 लाख से अधिक। अखबार के अनुसार जो संख्या ठीक ठीक बैठती नजर आती है वो 53 करोड़ से अधिक लगती है जो संक्रमित हैं और तब मरने वालों की संख्या 16 लाख होगी। सोचिए, 3 लाख बताया जा रहा है। अब तीसरा अनुमान खराब से खराब हालत के आधार पर लगाया गया है। इसके अनुसार 70 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 42 लाख से अधिक हो सकती है। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, मुश्किल वक्त में कहां है टीम इंडिया। दूसरा, महंगाई डायन खाया जात है, आम आदमी पर चौतरफा मार, कुछ करो सरकार। तीसरा, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। चौथा, क्या MSP बन गई है सरकार के गले की हड्डी। पांचवा, सरकार मानेगी किसानों की बात। देश में जहां एक तरफ कोरोना की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों की आमदनी लग रही है, वहीं दूसरी तरफ देश में दाल, तेल और जरूरी चीजों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे इस कोरोना संकट में दोहरी मार आम इंसान पर पड़ रही है। इस मुद्दे पर संदीप ने डिबेट की और सरकार के नेताओं से सवाल भी किए। लेकिन ये परेशानी का सबब है ना, तेल की कीमतों में, खाद्य तेल की कीमतों में। अब 200 रुपए का सरसों का तेल हो जाए, ये परेशानी नहीं है आपके घर में, नहीं है क्या महंगाई? आज महंगाई जो 7 साल में जो आपने भी एक्सेप्ट किया, आपने भी स्वीकार किया कि महंगाई नहीं बढ़ी, हमने उसको काबू में रखा, तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को अगर आकलन करके हम बात करें। नहीं, परिस्थिति का हम आकलन करेंगे, सरकारें किस लिए होती हैं? सरकार महंगाई के बारे में कोई चिंता दिखा रही है या इन्हें कम करने, क्या ये महंगाई कम नहीं की जा सकती? नहीं नहीं सर, एक और चीज मैं बताऊं। हम चिदंबरम साहब की तरह कहने वाले लोग नहीं है कि अगर आप 20 रुपए के मिनरल वाटर खरीद रहे हैं तो आप 20 रुपए का टमाटर क्यों नहीं खरीद रहे, 20 रुपया महंगा टमाटर। हम राज बब्बर जी की तरह ये कहने वाले लोग नहीं है कि 5 रुपए की थाली मिलती है। हम ये कोई बात आपके सामने नहीं नहीं, नहीं ये विशेष आकल है ना। के साथ ये डीजल 90 पार, पेट्रोल 100 पार, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगी, तो ये महंगाई का घल्लू घारा तो बनेगा ना। हमारी बहने अब बात गोदी मीडिया के एंकर्स की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, महामारी बहाना, सियासी निशाना, कोरोना पर किसका काम, किसकी नौटंकी। दूसरा, टीके पर सियासी टक्कर, वैक्सीन पर किसका भ्रमजाल। तीसरा, लाशों में भी सियासी अफसर, कोरोना की लड़ाई मुफ्त कफन लकड़ी पर आई। चौथा, टूलकिट की लड़ाई सोशल मीडिया पर आई, संविधान बड़ा या सोशल मीडिया का विधान। पांचवा,
कोरोना की आग में आंदोलन का घी, आंदोलन के नाम पर जान से खिलवाड़। देश में कोरोना महामारी से परेशानी और अब महंगाई की मार से जनता की परेशानियों के बीच अमीश ने अपनी डिबेट भाजपा और कांग्रेस के बीच तनातनी पर की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आज तक कोरोना समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री मोदी के चलते आई है, पीएम मोदी ने नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसी के चलते दूसरी लहर देश में आ गई। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ कोविड का सामना डटकर कर रहे हैं, ऐसे में इसे नौटंकी बताना देश की जनता का घनघोर अपमान है। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। सवाल है कि सियासी विरोध में क्या देश की छवि पर सवाल उठाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसका काम किसकी नौटंकी, आज आर पार में सबसे बड़ी बहस इसी पर। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के सीनियर पत्रकार दीपक चौरसिया की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा करनी जरूरी समझा। पहला, देश की प्राचीन विरासत पर दंगल क्यों? दूसरा, सियासत का सोशल संग्राम। तीसरा, चीन का जैविक हथियार है कोरोना। चौथा, कोरोना काल में किसानों को नए सिरे से किसने भड़काया। पांचवा, न हैसियत न दम, फोड़ेंगे एटम बम। दीपक चौरसिया ने अपनी डिबेट में कोरोना को चीन की साजिश बताया और बाकी जरूरी मुद्दों को छोड़कर इस मुद्दे पर डिबेट करते नजर आए। आपको याद है जब कोरोना नया नया आया था तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो इसे चाइनीज वायरस या फिर वुहान वायरस कहते थे, जिसको लेकर चाइना ने सख्त आपत्ति जताई थी, जिसके बाद WHO ने कहा था कि वायरस का नामकरण कर देते हैं किसी देश के आधार पर वायरस का नाम ना हो। इसके बाद कई तरह के विवाद होते रहे, अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन भी हो गया, लेकिन अमेरिका की नई सत्ता भी अभी कह रही है कि हो सकता है कि चाइना ने इस कोरोना वायरस को फैलाया हो, ऐसी रिपोर्ट वहां के अखबारों में भी छपी है। पहले ये तमाम अखबार खामोश थे। ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया है कि 2016-17 से ही चीन बायोलॉजिकल वेपन वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन कोरोना वायरस के तौर पर पूरी दुनिया में छोड़ दिया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया की सैनिटी को खत्म कर दिया? पूरी दुनिया में लोग अपनी जान बचाने के लिए त्राही माम करने लगे, क्या ये चीन की साजिश थी? आपने दोनों तरह की मीडिया को देखा कि कौन किन मुद्दों पर चर्चा करनी जरूरी समझता है। अब आगे ये आपको तय करना है कि आपको किस तरह का मीडिया देखना है। हम आगे भी देश और मीडिया से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.